हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अवस्थी क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी डीके गोयल बुक के क्वेश्चन नंबर 14B जनरल एंट्री के कंप्लीट क्वेश्चन को कराऊंगा। आपके पास में ओल्ड बुक है, आपके पास में न्यू बुक है, तो क्वेश्चन नंबर 14B उसमें दिया हुआ है। 14A भी सेम क्वेश्चन है, मैंने 14B इसलिए लिया है कि 14B करने के बाद में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन लेने की वजह यह है कि इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी। इसमें हमें कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिख जाएगा, इसमें हमें ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बन जाएंगी इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14B क्वेश्चन तो कर रहे हैं, इसके अलावा आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बन रहे बावजूद इसके कि आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने हर जनरल एंट्री के सेपरेट सेगमेंट के लिए वीडियोस बनाए हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस को देखेंगे और डेफिनेटली आपसे भी सारे जनरल एंट्री के कांसेप्ट हो जाने वाले हैं क्लियर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 14B जनरल एंट्री क्लास 11th का ये वीडियो है, जिसमें आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14B कि कैसे हमें एंट्री पास करनी है जनरल एंट्री, अगर हमारे पास में वेरियस सिचुएशंस दी हुई हैं। मैं आपके पास मैं बुक ले लेता हूं, आप भी अपनी बुक ले लीजिए सामने। और क्वेश्चन नंबर 14B लिखा हुआ है, फॉलोइंग वॉज द पोजिशन ऑफ हरीश एंड कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2017। हो सकता है आपके पास में नई बुक है तो वहां पर कुछ ईयर में चेंजेस हो सकते हैं, बट नो नीड टू वरी अबाउट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 को हरीश एंड कंपनी का हमारे पास में बैलेंसेस लिखे हुए हैं। अब वो बैलेंसेस कौन कौन से अगर आप देख पा रहे हैं, तो लिखा हुआ है कैश इन हैंड ₹10,000, कैश एट बैंक ₹16,800, फर्नीचर ₹8,000, स्टॉक ₹50,000, डेटर। अभी डेटर में हमारे पास, मैंने आपको बताया डेटर क्या होते हैं, डेटर वो होते हैं जिन्हें हमने गुड्स उधार में बेचा है, मतलब हमने उन्हें गुड्स बेचा है जो हमें पेमेंट करेंगे, जिनसे हमको पैसा लेना है, वो हमारी एसेट्स होते हैं क्योंकि हमें उनसे पैसा मिलना है, पैसा रिसीव्ड नहीं हुआ है बल्कि पैसा रिसीवेबल है, डेफिनेटली हमारे लिए हमारे एसेट्स हैं। वहीं हमारे पास में डेटर्स के नाम दिए हुए हैं, क्योंकि हम हर बार डेटर्स के नाम वहां पर राम श्याम मोहन सोहन नहीं बोलेंगे। अल्टीमेटली बिजनेस में एक हमारे पास में एक समरी मिल जाती है कि हमने डेटर लिखा है और हमें कितना पैसा किससे लेना है या कितना पैसा किसे देना है, जिसे कि हम क्रेडिटर कहते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास में दी हुई हैं। डेटर्स में हमारे पास राम श्याम है जिनका 8,000 और 12,000 रुपीज़ हमें लेना है, जबकि क्रेडिटर्स में अनिल और सुनील हमारे पास में 4,000 और 5,000 रुपीज़ ऐसे हैं जिनका पेमेंट हमने करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, मैं यहां पर आप लोगों के लिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं खींचूंगा। अगर मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट यहां पर ड्रॉ करता हूं तो उसमें जो वेस्टेज हो जाएगा स्पेस का, आपको मैंने बता दिया जनरल एंट्री कैसे बनती है, आप उसी फॉर्मेट में जनरल एंट्री बनाइएगा। मैं बिना फॉर्मेट के बनाऊंगा ताकि कम स्पेस में आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर आउटपुट दे सकूं। तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास बनेगी यहाँ पर अप्रैल 1, 2017 को, आपको 2017 स्टार्टिंग में लिख देना है, बार बार 2017 का यूज़ नहीं करना है। और अप्रैल 1 की है तो उसके नीचे हम लिख देंगे अप्रैल 1, और ये मैंने लिख दिया अप्रैल 1। और अप्रैल 1 की हमारे पास जो एंट्री बन रही है, प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF अमाउंट के दो कॉलम ही आपको करने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में ओपनिंग एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन चेक कर लिया है तो हमारे पास में बहुत सारे ओपनिंग बैलेंसेज दिए हुए हैं। ये बैलेंसेज आपको बताया जा रहा है कि हरीश कंपनी के हैं, जो कि हमारे पास 2017 अप्रैल 1 के हैं, और अप्रैल 1 के बैलेंसेज होने के बाद अप्रैल 1 के बैलेंसेज होने के बाद में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि ये हमारे पास आए कहाँ से हैं। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि हरीश एंड कंपनी बिजनेस पहली बार स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसने बिजनेस पिछले कई सालों से करना स्टार्ट किया है, और बिजनेस करते करते लास्ट ईयर, जो कि ठीक एक दिन पहले अगर हम 31 मार्च की बात करते हैं 17 की, तो हमारा लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर था, और वहां पर हमने जो बैलेंस अपने क्लोज किए थे, जिसे हम क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, तो क्लोज अकाउंट्स करने के बाद में जो वहां से बैलेंसेज जो हमारे लिए लास्ट डेट तक, जो कि 31 मार्च था, जिसे हम लास्ट अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, तो जो बैलेंसेज हमारे पास वहां पर क्लोजिंग थे, उन सारे बैलेंसेज को हमें अब लाना होगा। तो जो बैलेंसेज हमारे पास क्लोजिंग थे, उन्हीं सारे बैलेंसेज को अब हमें लाना होगा ओपनिंग बैलेंस में। और ओपनिंग बैलेंस में जब हम बैलेंसेज को लेके आते हैं पुराने बैलेंसेज से, मतलब बैलेंस अपने ओल्ड बैलेंस के, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था उसे हम ओपनिंग बैलेंस में लाते हैं, तो इस ओपनिंग बैलेंस को जब हम एंट्री के थ्रू पास करते हैं तो इसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। और यहां पे करना क्या है आपको समझा दूं, सबसे पहले मैं ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आप में से बहुत सारे लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में से समझ लिया होगा कि एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें हमारे डबल एंट्री सिस्टम में, हम जो सिस्टम पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डबल एंट्री बनानी होती है, उसमें एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है। और एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी का कांसेप्ट ये है कि हमारे पास जितनी भी एसेट्स होगी वो हमारे लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होगी। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऐसे केस में हमारे लिए कैपिटल फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है। और कैपिटल अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखते हैं तो आप यहां से कैपिटल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्योंकि
अगर आपको सी फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप सी को इस तरफ ले आइए, ए को अंदर ले जाइए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि सी निकालने का मतलब कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे अगर आपको लायबिलिटी निकालनी है तो आप एसेट्स में से अगर कैपिटल माइनस कर देते हैं देन वी इजिली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना होगा और तब आप इस इंटी को कर पाएंगे। और अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ओपनिंग एंट्री ही पास करेंगे, और वो कैसे पास करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन दी है, मैं जल्दी जल्दी एंट्री पास करूंगा। हमारे पास में कैश इन हैंड लिखा हुआ है, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, और आपको यही सब चीज़ें एंट्री में लिख देनी है। अप्रैल फर्स्ट है हमारे पास में, और हमारे पास में लिखा हुआ है कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। मैं कैश इन हैंड अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास लिखा हुआ है कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, आप भी अपनी बुक से देखकर लिख सकते हैं कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। पहले वीडियो देख लीजिए उसके बाद लिखिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में फर्नीचर लिखा हुआ है और फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इसके अलावा हमारे पास में लिखा हुआ है स्टॉक अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपने इन सब चीज़ों को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि आपने मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों पढ़े हैं। ये हम टोटल बात करते हैं अपने मॉडर्न अप्रोच से कि जब हमारे बिजनेस में एसेट्स बढ़ती है, हमारे बिजनेस में जब भी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है, जब भी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट क्रेडिट क्या करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया और आपको शायद वो समझ में आ गया कि बिजनेस की जो भी एसेट्स होती हैं उन्हें हमें करना होता है डेबिट, और यहां पर हम वही कर रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा नहीं है कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है, लेकिन आपको पता चल गया कि कैश इन हैंड लिखा है, कैश एट बैंक लिखा है, फर्नीचर लिखा है या आपके पास में स्टॉक लिखा है, तो ये सब आपके एसेट्स है क्योंकि आपका खुद का है और एसेट्स को हमेशा हम करते हैं डेबिट। तो आपको सारे ही एसेट्स को डेबिट करना है, सारे ही लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको कैपिटल नहीं दिखेगा और डिफरेंस अमाउंट आपको निकाल लेना है, और वो डिफरेंस अमाउंट ही हमारे लिए कहलाएगा कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको अभी यहां पे बताया है। इसलिए मैं यहां पे सारी एसेट्स को डेबिट कर देना हूं। हमारे पास में स्टॉक लिखा हुआ है और स्टॉक के बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है डेटर, मैं यहां पे सिर्फ डेटर लिखूंगा, डेटर के जो अमाउंट है वो यहां पर मैंने लिखता हूं, डेटर अकाउंट लिख देता हूं डेबिट। और इसके अलावा मैं हमारे पास में क्रेडिटर्स लिखे हैं तो आपको टू क्रेडिटर्स कर देना है, और क्वेश्चन नंबर 14B कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई इसके पहले आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे जिसमें से ये बेसिक कंसेप्ट का क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये एंट्री बन गई हमारे पास में। अब इस एंट्री को जरा गौर से देखिए कि हमारे पास में यहाँ पर लाइन अभी नहीं खींचेंगे हम, इस एंट्री को देखने के बाद में हमारे पास जो अमाउंट है वो हम फिल कर देते हैं। हमारे पास में 10,000 रुपीज़ कैश इन हैंड का अमाउंट है, इसके अलावा 16,800 रुपीज़ हमारे पास में कैश एट बैंक है, फर्नीचर 8,000 रुपीज़ है, स्टॉक 50,000 रुपीज़ है, इसके अलावा हमारे पास में राम और श्याम का टोटल करते हैं तो 20,000 रुपीज़ आता है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपके टू डेटर्स हैं, मैं यहाँ पर हिंट के लिए अपने ले लेता हूँ। और वहीं अगर हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो टू क्रेडिटर्स हमारे पास में यहाँ पर 9,000 रुपीज़ लिखा है, और मैं अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर इसको भी टू कर लेता हूँ ताकि पता चल सके कि हमारे पास में टू यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर अनिल और सुनील है। अब आपको करना ये है कि आपको डिफरेंस निकाल लेना है, और डिफरेंस निकालने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, मैंने आपको कहा कि एसेट्स में से अगर आप लायबिलिटी को माइनस करते हैं और जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल, और ये कैपिटल आपने लिख दिया है डिफरेंस अमाउंट है, जो भी बैलेंस आएगा हम यहाँ पे निकालेंगे, और ये हमारी एंट्री बन जाएगी ओपनिंग एंट्री है। ओपनिंग एंट्री इसलिए क्योंकि इसने आपने क्लोजिंग डेट में जो लास्ट ईयर था उससे आप इस साल के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह जगह पे लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए ओपनिंग एंट्री है, और यहाँ हमने सारे बैलेंसेस को यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब मैंने आपसे कहा कि आपको डिफरेंस निकाल के जो डिफरेंस आएगा उसको आपको कैपिटल लिख लेना है, और डिफरेंस हम निकाल लेते हैं 10,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50 प्लस 20 माइनस 9,000 करते हैं, तो हमारे पास में 95,800 रुपीज़ हमारे पास में आ जाती है कैपिटल, और ये जो कैपिटल है ये कैपिटल ही हमारे लिए कहलाता है बैलेंसिंग फिगर। तो एक्चुअल में ये हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर है, और मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि ये बैलेंसिंग फिगर है। आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि बैलेंसिंग फिगर, आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। और डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने कर लिया वही कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ये हमारे डेबिट के सारे अमाउंट है, ये हमारा क्रेडिट का अमाउंट है, और डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट मतलब डबल एंट्री सिस्टम के सारे ही जो हमारे लिए कंपल्सन थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर लिया है। हमने एंट्री फॉर्मेट में नहीं बनाई है, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप फॉर्मेट में बनाइएगा, और हमने एंट्री पास कर दी है 2017 अप्रैल फर्स्ट को। ये हमारे पास बन गई ओपनिंग एंट्री। अब हम एक के बाद एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। अब हमारे पास फॉलोइंग ट्रांजेक्शन
टुक प्लेस ड्यूरिंग अप्रैल 2017। अब हमारे पास में ट्रांजेक्शन दी है, हम पढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास में अप्रैल 2nd को लिखा हुआ है, रिसीव द चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। अभी डेटर से हमको पैसा मिला और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास डेटर जो 2 है 20,000 रुपीज़ के हैं। अब इन डेटर्स के बारे में अगर मैं आपके लिए यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए लिख रहा हूँ कि हमारे पास में डेटर राम है और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में दूसरा जो डेटर है वो श्याम है। और डेटर से हमें जो पैसा लेना है वो लेना है 8,000 रुपीज़ राम से और 12,000 रुपीज़ मुझे लेना है श्याम से। ये आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं, कहीं साइड में हिंट कर सकते हैं, वर्किंग में लिख सकते हैं। मैंने जनरल एंट्री में लिख दिया क्योंकि मैं आपको यहीं पर समझा रहा हूँ। आप ऐसा जनरल एंट्री वाले फॉर्मेट में नहीं करिएगा, कहीं रफ में लिखिएगा, कहीं वर्किंग नोट में लिखिएगा। तो हमने देख लिया कि हमारे पास 2 डेटर हैं जिसमें से एक राम और श्याम है और टोटल मुझे 20,000 रुपीज रिसीव्ड करना है, मतलब रिसीवेबल है, जिसमें से राम से लेना है 8,000 और श्याम से लेना है 12,000। तो हमारे पास में हुआ ये अप्रैल 2nd को कि हमारे पास जो राम था, मतलब जिससे हमें 8,000 रुपीज लेना है, राम आ जाता है 2nd अप्रैल को और हमें पैसा देने लगता है और वह कहता है कि मुझे यहां पर 5% का चाहिए कैश डिस्काउंट। मैंने आपको कैश डिस्काउंट वाले सेगमेंट पर पढ़ाया है कि कैश डिस्काउंट हम तभी या तो अवेल करते हैं, मतलब कि डिस्काउंट हम वहां पर अलाउ करते हैं, या डिस्काउंट रिसीव करते हैं जब वहां पर कैश का निगोशिएशन हो रहा है। कैश या तो हमारे पास आ रही होती है या हमारे पास से कैश जा रही होती है। अब यहां पर राम जो है वो हमारा डेटर है, मतलब राम हमें कैश देगा और वो कैश हमें 2nd अप्रैल को पेमेंट कर रहा है और जैसे ही हम कैश रिसीव करेंगे तो उसने हमसे डिमांड की है 5% कैश डिस्काउंट की। हमने उससे जो टर्म्स कंडीशन थी उससे 5% कैश डिस्काउंट के बारे में बात की होगी, ठीक है। तो अप्रैल 2nd को हम एंट्री पास करेंगे, ये मैं लिख देता हूं अप्रैल 2nd, और अप्रैल 2nd की जो एंट्री बनेगी, पहले हम एंट्री के बारे में जल्दी से कैलकुलेशन छोटा सा देख लेते हैं कि हमारे पास हमें राम से लेना है 8,000 रुपीज और राम ने हम मुझसे कहा है कि मुझे यहां पर सीडी जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं वो डिडक्ट करने के बाद वो हमें पेमेंट रिसीव करवाएगा। और ऐसे केस में अगर हम यहां पर 5% का सीडी है, एट द रेट 5% लिख देता हूं, और अगर हम 8,000 का 5% निकालते हैं तो 400 रुपीज का सीडी देने के बाद में 7,600 रुपीज मुझे कैश रिसीव्ड हो जाएंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि मुझे कैश रिसीव्ड हो गया है, जबकि ये डिस्काउंट है जो कि मुझे मिलने थे 8,000 रुपीस, मैंने सीडी अलाउ कर दिया, अलाउ करने के बाद में मुझे मिलेंगे 7,600, मतलब कि मुझे डिस्काउंट जो है वो मेरे लिए नुकसान है क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है। तो इसे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड, और ये है वो राम जिससे मुझे पैसा लेना था। तो राम हो गया, मतलब हमारा डेटर हो गया। अब आपको समझना है यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के सारे ही कंसेप्ट को, आप यहाँ पर अलाउ करके देखेंगे कि भाई कैश रिसीव्ड हुआ है बिजनेस में, आपको मिलना था 8,000, आपको मिला है 7,600, मतलब कि आपको यहाँ पर पैसा कुछ कम मिला है लेकिन कैश तो मिला है। तो आप यहाँ पर एंट्री पास करेंगे व्हाट कम्स इन, और यहाँ पर मुझे मिल गया है कैश, और ये यहाँ पर कैश ही, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे चेक मिला है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा देख लिया कि यहाँ पर मुझे चेक मिला है और यहाँ पर मैं कैश रिसीव्ड ना लिख के लिखूँगा चेक रिसीव्ड, और यहाँ पर लिख देता हूँ चेक रिसीव्ड हुआ है मुझे। और जब चेक रिसीव्ड होता है तो आपको अब दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें समझनी है कि चेक रिसीव्ड हो गया, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो लिखा नहीं हुआ है, मतलब कि मुझे चेक मिला है और अभी तक मैंने इसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जब जिसमें हमने सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन के बारे में बात की है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पर आपको बैंक की, कैश की, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, परचेस की, सेल्स की, बिजनेस स्टार्ट करने की, परचेस कब क्रेडिट होता है, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें चेक मिला है और उस चेक को हम इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। अगर हम चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर रहे होते तो फिर हम वहां पर चेक इन हैंड वर्ड यूज नहीं करते हैं। लेकिन अभी आपको ये एज्यूम करना है कि आपको चेक मिला है, एज्यूम करना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें सिर्फ राम से चेक मिला है, अभी चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज तक की होती है, मतलब आपको जो चेक मिला है आप उसे 90 डेज तक अपने पास रख सकते हैं और विद इन 90 डेज आप चेक को बैंक में ले जाकर उसे वहां से कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। तो यहां पर हो ये रहा है कि भाई अभी मुझे राम से चेक मिला और मैंने अभी यहां पर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो यहां पर मुझे चेक रिसीव्ड हुआ है। और जब मुझे चेक रिसीव्ड होगा तो एक सिंपल वर्ड्स में आपसे कहूं कि चेक जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो हमारे लिए बन जाता है रियल अकाउंट। एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट हमारा रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, तो चेक्स इन हैंड कम्स इन। तो मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा चेक इन हैंड कम्स इन, तो चेक इन हैंड अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन, तो मैंने कर दिया 7,600 का मुझे चेक मिला है। वहीं अगर हम देखते हैं कि हमें चेक मिलना था 8,000 रुपीस का लेकिन मिला 7,600 का, क्योंकि हमने वहां पर राम को अलाउ कर दिया है डिस्काउंट 400 रुपीस का और 400 रुपीस का डिस्काउंट मेरे लिए नुकसान है क्योंकि मुझे मिलने थे 8,000 जबकि मुझे 400 रुपए कम मिले, मतलब मुझे 7,600 मिला है और ऐसे में डिस्काउंट मेरे लिए नुकसान है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डिस्काउंट अगर आपके लिए लॉस है तो आप उसे करेंगे डेबिट, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट में कर देता हूं। और टोटल अमाउंट हमारे पास में है
400 रुपीज़। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा डेटर है वो था राम, और राम से मुझे मिला है, मतलब राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, और अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, गिवर को करना है आपको क्रेडिट, तो आप कर देंगे टू राम्स अकाउंट, और ये अमाउंट आप लिख देंगे यहाँ पर, आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 8,000 रुपीज़। आप चाहें इसका नरेशन भी लिख सकते हैं, और नरेशन लिख सकते हैं कि बीइंग यहाँ पर कैश रिसीव्ड हुआ चेक इन हैंड, तो आप लिख सकते हैं बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड 5%। तो ये इसका समरी भी आप लिख सकते हैं जिसे हम नरेशन कहते हैं, और एंट्री नंबर सेकेंड और एंट्री नंबर फर्स्ट बन गई है। अब यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम के कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आप देखेंगे कि राम यहाँ पर इस वाले अमाउंट में 8,000 रुपीज़ से डेबिट है, और यहीं पर हमने राम को 8,000 रुपीज़ से क्रेडिट किया है क्योंकि राम ने हमें पूरा पैसा दे दिया और राम का अकाउंट अब हो चुका है क्लोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ में। अब अगर नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं तो आप देखेंगे लिखा हुआ है डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक। ये चेक हमने सेम डे में डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट तो किया है लेकिन इस चेक को बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, हमें चेक मिला था अप्रैल 2nd को, और इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया है अप्रैल 4 को। अभी देखते हैं अप्रैल 4 को इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की क्या एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर करते हैं अप्रैल 4, और अप्रैल 4 को जब इस चेक को मैं बैंक में ले जाऊँगा तो चेक का अमाउंट आपको दिख रहा है कि वो चेक हमारे पास में है 7600 का। इंपॉर्टेंट टर्म, आप चेक के अमाउंट में कभी भी चेंज नहीं कर सकते, जो अमाउंट चेक में लिखा हुआ है आप उसी अमाउंट को निगोशिएशन कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। अप्रैल 4 को जब मैं चेक बैंक में ले जाता हूँ तो मुझे जब चेक मिला था तो मैंने चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किया था, और इसी चेक को अब मैं बैंक में ले जाऊंगा तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन हो जाएगा, क्योंकि जब मैं चेक लेके बैंक में जाऊंगा तो जो रिसीवर है वो हो जाएगा बैंक। मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे ही चेक बैंक में जाएगा तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे हम पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, द पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो बैंक में चेक जा रहा है तो रिसीवर हमारा पास बैंक हो जाएगा, और हमें अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, मतलब कि बैंक पर्सनल अकाउंट है, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट रूल डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को हमें करना है डेबिट। तो यहां पर हमारा रिसीवर जो है वो हमारी नजरों में अब बैंक दिख रहा है, और हम बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और अब मैं आपसे कहूं कि दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्योंकि मेरे बिजनेस से जो चेक है वो चेक मेरे बिजनेस से जा रहा है, और चेक मैंने आपको कहा कि वो रियल अकाउंट है, तो यहां पर रियल अकाउंट का रूल लगाना है, आपको रूल पढ़ना है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो चेक गोज आउट। तो हमारे बिजनेस से चेक जा रहा है तो उसे हमें करना होगा क्रेडिट, तो हम लिखेंगे टू चेक इन हैंड। और ऐसा लिखने पर आप इस एंट्री को कर सकते हैं कि आपका जो चेक आपके पास में आया था तब आपने उसे डेबिट किया था, उसी राम के चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो रिसीवर बैंक हो गया है और आपके पास से चेक चला गया है, और चेक का अमाउंट आपको पता है कि 7600 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कि हमारे पास में चेक डिसऑनर हो गया है, जब क्वेश्चन में बोलेगा तो देखेंगे। तो ये एंट्री नंबर 3 आपने बना ली है बहुत मजे से कि रिसीवर बैंक हो गया और हमारे पास से चेक गोज आउट है, यहाँ पर रियल और पर्सनल अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा लिखा हुआ है, हम देखते हैं तो अप्रैल 5 को लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर ₹20,000 एट डिस्काउंट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट मेड बाय चेक। आप अप्रैल 1 की एंट्री अगर देखते हैं तो अप्रैल 1 की एंट्री आपको झट से नहीं कर देनी है, पहले आपको पूरा कैलकुलेशन को समझना है, उसके डीप ऑब्जर्वेशन में जाना है, तब एंट्री पास करनी है। यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया है, अभी हमने गुड्स को परचेज किया है 20,000 रुपीज़ का, और मैंने आपको बताया है कि इस 20,000 रुपीज़ को हम कहते हैं लिस्ट प्राइस, क्योंकि हम जो ट्रेड डिस्काउंट अवेल करते हैं या हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं वो हम करते हैं लिस्ट प्राइस में। और डेफिनेटली हमने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, मतलब हमने गुड्स को खरीदा है तो हमें डिस्काउंट मिला होगा, और उस डिस्काउंट के बारे में लिखा हुआ है कि 10% TD है, और 10% TD अगर आप 20,000 का माइनस करते हैं तो वो माइनस हो जाएगा 2,000 रुपीज़, और हमारे पास बचेगा 18,000 रुपीज़। और अब मैं इसे कहूँगा एक्चुअल परचेज, ये हमारे बिजनेस के लिए परचेज है। TD के बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि चाहे ट्रांजेक्शन कैश हो चाहे क्रेडिट हो, तो कैश क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन में जो डिस्काउंट हम या तो अवेल करते हैं या तो हम अलाउ करते हैं उसे हम कहते हैं TD, और यहाँ पर TD हमने माइनस कर दिया है। जबकि TD के बारे में दूसरी स्पेशलिटी मैंने आपको बताई है कि इसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो क्रॉस का साइन इसलिए लगा लगता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है। अब हमने टोटल 18,000 रुपीज़ के परचेस को बुक करना है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि हमें 18,000 रुपीज़ क्यों बुक करना है तो आप हमारे TDCD वाले वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जैसे ही 18,000 रुपीज़ का पेमेंट होने लगा तो वहाँ पर हमने जिससे गुड्स परचेस किया है उसने हमें बताया कि भाई अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे 18,000 तो हम आपको 5% का और डिस्काउंट देंगे जिसे हम कहते हैं CD, और हम माइनस कर देंगे 5% CD। अब इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो 5% CD है वो हमें इस अमाउंट का देना होगा जो आफ्टर डिडक्टिंग
टीडी आया है। तो अगर हम 18,000 का 5% निकालते हैं तो हमारे पास में 900 रुपीज़ है, जिससे हम कहते हैं कि हमने गुड्स परचेस किया 18,000 का, अब हमें 900 रुपीज़ कम देने हैं, मतलब वो डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं। इसलिए मैं इसे कहूँगा कि यहाँ पर मेरा ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्काउंट रिसीव्ड, और मैंने डिस्काउंट रिसीव कर लिया है। इट मीन्स कि मुझे जहाँ पर 18,000 रुपीज़ पेमेंट करने थे, अब मैं वहाँ पर 18,000 में 900 रुपीज़ का पेमेंट कम करूँगा, क्योंकि मैंने परचेस किया है, पेमेंट मुझे करनी है, मुझे 900 का मिल गया है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और मुझे अब पेमेंट करनी है 17,100 की, जबकि इस केस में मैंने पेमेंट की है, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है चेक से हमने पेमेंट की है, और पेमेंट मेड बाय चेक लिखा हुआ है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब हम बिजनेसमैन, मतलब कि हम, क्योंकि मैंने हम अपने आप को हमेशा बिजनेसमैन ट्रीट करते हैं, हम जब किसी को चेक इशू करते हैं तो उसे हम ऑलवेज बैंक लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि बैंक, क्योंकि वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब ऐसे केस में एंट्री पास करनी है, एंट्री में आप देख रहे हैं कि हमारे पास में परचेज है, और अगर मैं आपसे कहूं कि परचेस क्या है, तो मैंने आपको बताया है परचेस वाले केस में कि हम गुड्स को जब परचेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में गुड्स आता है, और गुड्स हमारे बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल अगर हम पढ़ते हैं कि व्हाट कम्स इन उसे डेबिट करना है, तो परचेस कम्स इन, गुड्स कम्स इन, इसलिए हम यहां पर परचेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट आपको कर देना है, और वो करना है आफ्टर डिडक्टिंग टी डी, तो वह 18,000 रुपीज़ है। ये लीजिए, हमने 18,000 रुपीज़ से कर दिया है। अब आपके बिजनेस से कैश तो नहीं गया है, लेकिन आपने चेक से पेमेंट किया है, और जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो उसे हम बैंक लिखते हैं, तो हम लिखेंगे टू बैंक, और वो बैंक में आपने चेक से पेमेंट किया है 17,100 रुपीज़ का, जबकि 900 रुपीज़ का आपको मिल गया है डिस्काउंट, आपने रिसीव किया है, आपके लिए हो गया है प्रॉफिट, और नॉमिनल अकाउंट है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसे हम करते हैं क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, और यहाँ पर प्रॉफिट का नाम है डिस्काउंट रिसीव, तो हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, आप लिख सकते हैं, और आपकी एंट्री फिर से टैली हो जाएगी, 900 रुपीज़ लिख देंगे। और ये एक और एंट्री आपने बना ली है April 5th की। मैंने आपसे बोला है कि एंट्री बनाने के पहले आराम से कैलकुलेशन समझनी होगी, और उसके बाद हम एंट्री पास कर सकते हैं, तो हमारे लिए एंट्री बनानी हो जाएगी आसान। तो 4 इंपॉर्टेंट एंट्रीज आप देख पा रहे हैं, पहले हमने ओपनिंग एंट्री पास की है, फिर डेटर से हमें पैसा मिला हमने उसका कैलकुलेशन देख लिया, इस चेक को हमने डिपॉजिट कर दिया वो हमने देख लिया, और फिर अल्टीमेटली हमने गुड्स परचेस किया है हमने उसकी एंट्री देख ली, जहां पर हमने पेमेंट की है चेक से, और हमें डिस्काउंट टीडी और सीडी दोनों मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई हमने किया ये है कि April 5th को लेने के बाद में April 6th को हमने शाम से भी रिसीव किया है, और शाम कौन है अगर आप देखेंगे, जिसे हमें लेना है 12,000 रुपीज़, जो कि हमारा डेटर था, और उससे हमें लेने थे वहां पर 12,000 रुपीज़। अब यहाँ पर लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम ₹3,860। अब यहाँ पर देखिए, राम से लेना है हमें 12,000 है, लेकिन श्याम से हमें लेना है 12,000, लेकिन शाम से यहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है 3,860। अभी 3,860 का पैसा शाम से मिल रहा है, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि इसे हम फुल सेटलमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि लेना तो 12,000 है, तो शाम के पास जो भी व्यवस्था हुई होगी उसने हमें ला के पैसा दे दिया है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक पार्शियल अमाउंट वो पेमेंट कर रहा है, और वो अमाउंट है कि उसने 3,860 मतलब 3,860 रुपीज़ का पेमेंट किया है, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हम ₹140, और हमने उसे डिस्काउंट अलाउड किया 140 का, मतलब उसने टोटल 4,000 रुपीज़ का हिसाब कर दिया है कि भैया मेरा 4,000 का हिसाब करो, जिसमें मुझे क्या डिस्काउंट दोगे, तो मैंने उससे कहा कि आपको 140 का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 140 काट के उसने मुझे 3,860 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है, और वो उसने मुझे पेमेंट किया है चेक से, जिस चेक को मैंने सेम डे में डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, और ये एंट्री हम पास करेंगे यहां पर अपने April 6th की एंट्री पास करेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ कुछ क्लीन कर देता हूँ, और मेरे हिसाब से मुझे क्लीन कर देना चाहिए, यहाँ पर अगर हम क्लीन करने की बात करते हैं तो चलिए मैं इसी एंट्री को यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर, क्योंकि इस एंट्री में हो सकता है कि हमारा चेक डिसऑनर हो जाए, तो मैं भी इस एंट्री को नहीं मिटाता हूँ, April 5th की एंट्री में यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, और यहीं पर आपको बाकी की एंट्रीज कराने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पर हो ये रहा है कि भाई April 6th को मुझे चेक मिला है, April 6th मैं लिख देता हूँ, और April 6th को मुझे शाम से चेक मिला है, और शाम से मुझे जो चेक मिला है वो 4,000 रुपीज़ का मिलना था, जिसमें मैंने उसे यहाँ पर CD अलाउ कर दिया है, और वो CD मैंने उसे अलाउ किया है 140 रुपीज़ का, तो 140 रुपीज़ का CD अलाउ करने के बाद में उसे 3,860 रुपीज़ का मुझे चेक मिला है, यहाँ पर मैंने चेक रिसीव किया है, और चेक रिसीव करने के बाद में लिखा है कि इस चेक को मैंने सेम डे में डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, इसे डिपॉजिट कर दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कैसे। तो ये पैसा मुझे किससे मिला है, ये पैसा मुझे मिला है
श्याम से जिससे मुझे 12,000 रुपीज लेने, मैंने आपको दिखा दिया मेरा डेटर है, ओपनिंग एंट्री में हमने उसे अपने डेटर में लिखा था 12,000 रुपीज से। तो अगर अप्रैल 6 को हम देखते हैं तो मैं इसके दो एंट्री बनाऊंगा और फिर आपको कंपाउंड करके दिखाऊंगा कि एंट्री कैसे बनती है। तो पहले अप्रैल 6 को हमें चेक रिसीव करने की एंट्री हम देख लेते हैं। हमारे पास एंट्री बन जाएगी जब हम चेक रिसीव करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और ये चेक हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर टोटल 3860 का हमने चेक रिसीव कर लिया है, जबकि हमें मिलना था 4000 और हमें मिला है 3860, मतलब 140 का जो हमने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट अलाउड है। और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमारे लिए होता है घाटा, हमारे लिए होता है नुकसान, और नुकसान को हम करते हैं डेबिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये लीजिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट है, हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ें देखी हैं, 140 लिख दिया है, और अल्टीमेटली गिवर जो है वो श्याम है, तो गिवर को पर्सनल अकाउंट हम करेंगे श्याम्स अकाउंट, और ये मैंने कर दिया श्याम्स अकाउंट, और टोटल श्याम से 4000 रुपीज़ का हिसाब हो गया है। ये एंट्री तो आपने समझ ली जो कि एंट्री आपकी 6 को ही है, लेकिन इसी चेक को मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। हाँ, तो अल्टीमेटली आपको देखना वही है कि जैसे मुझे इस केस में मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया था तो मैंने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक एंट्री हमारे पास यहाँ बन जाएगी कि बैंक जो हमारे पास रिसीवर हो जाएगा हमारे चेक का बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, मेरे पास जो चेक है उसको अल्टीमेटली मैंने कहाँ डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। फर्क इतना ही है इस एंट्री में कि ये एंट्री हमारे पास में अप्रैल 2 को बनी थी और हमने अप्रैल 4 को यहाँ पर डिपॉजिट किया था चेक, लेकिन जो चेक शाम से मिला है हमने उसी दिन चेक को लेकर उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो ये एंट्री हमने सेम डेट की बना दी है और ये एंट्री हमारे पास है 3860, क्योंकि हमने कहा कि चेक का अमाउंट हम चेंज नहीं कर सकते। और मैंने आपसे ये भी कहा कि मैं इसको कंपाउंड एंट्री है, इस एंट्री को मैं आपको एक एंट्री में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, एंट्री सेम डेट की है, सेम पर्सन की है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास चेक इन हैंड जिसे मैंने डेबिट करा है और यहां पर टू चेक इन हैंड जिसे मैंने क्रेडिट किया, अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूं तो अल्टीमेट एंट्री हमारे पास जो बचती है वो एंट्री आपको दिख रही है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अकाउंट। तो आपको ये दो एंट्री ना बनाकर आपको एक एंट्री बनानी है और वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। ये एंट्री आपकी कंपाउंड एंट्री है जो आप बना सकते हैं या आप बनाएंगे ही, आपको ये एंट्री तभी बनेगी जब आपसे दोनों एंट्री आती होंगी। तो आपको आप रियल प्रैक्टिस में ये दोनों एंट्री नहीं बनानी है बल्कि इस एंट्री को बनाना है बैंक के सामने, बैंक का अमाउंट हम लिख देंगे 3860 जो कि मुझे चेक मिला था और मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। और जब हम चेक को सेम डे डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हम चेक इन हैंड को नहीं लिखते, वजह मैंने आपको बताया क्योंकि चेक हमारे पास आता है और अल्टीमेटली हमारे पास से चला जाता है, अल्टीमेटली बैंक को हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट हमारे पास 140 और टोटल हमें श्याम से लेना था, अगर आप देखेंगे 4000 रुपीज़ जो कि हमें श्याम ने दिया है। तो यहाँ पर ये एंट्री हम बनाएंगे अप्रैल 6 की जिसमें हमने श्याम को यहाँ पर क्रेडिट किया है और हमने एंट्री पास कर ली कंपाउंड एंट्री। तो ये हमारे पास एंट्री हो गई है जो हमने बना दी है अप्रैल 6 की। अब हमारे पास में लिखा हुआ है कि भाई जो हमारे पास एंट्री नंबर जो अप्रैल 10 है उसमें लिखा है कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने अनिल को कैश पेड किया है और अनिल को हमने जब कैश पेड किया है तो उसको हमने 2% का डिस्काउंट दिया है। अब अनिल कौन है वो समझिए, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स के मैंने 2 इंपॉर्टेंट पार्ट लिखे थे, अगर इसको आप देखते हैं तो हमारे पास 2 क्रेडिटर्स थे और वो क्रेडिटर्स हमारे पास में अनिल और सुनील थे। तो हमारे पास में अनिल भी लिखा हुआ है और हमारे पास में सुनील भी लिखा हुआ है, तो ये हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हम पेमेंट करेंगे। हमें राम श्याम से लेना था तो हमें अनिल सुनील को पेमेंट भी करनी थी और यहाँ पर अनिल और सुनील को हमें पेमेंट करनी है 4000 और 5000। मैं फिर से आपसे कहता हूँ ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखा है, आप इसे कहीं अपनी याददाश्त के लिए लिख लीजिएगा और फिर हम एंट्री पास करेंगे। अब ऐसे केस में अनिल सुनील को पेमेंट करने की क्या एंट्री बनेगी, इस बार मैं सारी ही यहाँ से एंट्रीज़ को क्लीन कर देता हूँ। आपने एंट्रीज देख ली हैं कैसे बनती है और अब मैं एंट्री पास करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे एंट्री हम बनाएंगे यहाँ पर अप्रैल जो हमारे पास बनने वाली है और वो एंट्री हमारे पास है अप्रैल 10 की। तो लिखा है कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2%। अभी हम अप्रैल 10 की एंट्री पास करने वाले हैं और अप्रैल 10 में हमने अनिल को 4000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। अब अनिल को जैसे ही हम 4000 का पेमेंट हम करेंगे, क्योंकि अनिल हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर्स को हम पेमेंट करते हैं, अनिल को 4000 का पेमेंट हम करने लगे तो अनिल ने हमें वहाँ पर डिस्काउंट अलाउड किया है 2% का, जिसे हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे क्योंकि 2% हम कैश पेमेंट करने के टाइम पर डिस्काउंट ले रहे हैं। और जैसे ही 4000 का पेमेंट हम करने लगे तो हमारे पास 2% हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास में 80 रुपीज़ आ जाएगा जो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा और इसे हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये मुझे रिसीव्ड हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर फायदे में हूँ। मुझे पेमेंट करनी थी 4000 लेकिन मुझे मिल गया 80 रुपीज़ का डिस्काउंट और मुझे यहाँ पेमेंट करनी होगी 3920 की, ये कैश पेड है।
चेक कर लेते हैं कैश पेड है। जी हाँ कैश पेड है, कई बार चेक लिखा रहता है तो कैश पेड है। और आपने अल्टीमेटली ये पेमेंट की है यहाँ पर सुनील को, आपने यहाँ पर सुनील को पेमेंट किया है। और हम जल्दी से एंट्री देख लेते हैं कि हमारे पास एंट्री क्या बनेगी। माफ़ कीजिएगा अनिल है, तो हमने अनिल को पेमेंट किया है। और अनिल को जब आप पेमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली अनिल आपके बिजनेस से रिसीवर हो जाएगा। और हम रिसीवर को डेबिट करते हैं तो हम लिखेंगे अनिल अकाउंट डेबिट, और वो हम लिखेंगे 4000 रुपीज़ से। तो अल्टीमेटली अनिल को अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर 4000 रुपीज़ ही देते थे। अनिल ने 4000 का हिसाब किया है जिसमें से उसने हमें डिस्काउंट अलाउड किया है। तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस से कितना कैश गया आपको देखना है। व्हाट गोज़ आउट, कैश गोज़ आउट रियल अकाउंट है। और टू कैश आपने पेमेंट किया है 3920 का, जबकि आपको डिस्काउंट मिला है। और जब आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको उसे कर देना है क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट आपके लिए प्रॉफिट है, अवेल हुआ है। और अब लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, आप लिखेंगे यहाँ पर, और डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है 80 रुपीज़ का, जबकि आपने अनिल को डेबिट किया क्योंकि अनिल आपके बिजनेस का रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट द इनकम एंड प्रॉफिट, तो तीनों रूल एप्लीकेबल करके आपने इस एंट्री को पास कर लिया। एंट्री बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800 रुपीज़। आपने 15 अप्रैल को यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया है। और जब ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करेंगे तो होगा क्या, सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड करने से बिजनेस से फर्नीचर बाहर जाएगा और बिजनेस में आएगी कैश। और जब कैश आएगी और फर्नीचर जाएगा तो मैंने आपको एसेट्स को खरीदने बेचने की सेपरेट वीडियो बनाई है, और उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर हम किसी बिजनेस की एसेट्स को परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं तो हमें उस एसेट्स के नाम से एंट्री बुक करनी होती है। वहां पर हम सेल्स और परचेस वर्ड यूज नहीं करते हैं। ऐसे केस में ओल्ड फर्नीचर सोल्ड हो रहा है, मतलब ओल्ड फर्नीचर बिजनेस से बाहर जा रहा है और बिजनेस में कैश आ रही है। तो जब बिजनेस में कैश आएगी तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, टू ओल्ड फर्नीचर गोज आउट आप लिख सकते हैं। और ओल्ड फर्नीचर आप एंट्री पास कर देंगे और बस आपको अमाउंट भर देना है, और वो अमाउंट आपके पास में है 800 रुपीज़ का। तो ये लीजिए 800 रुपीज़ का हमने अमाउंट यहां पर लिख दिया, ये हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं, लिखा है सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद एट लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। चलिए इस पॉइंट को करके देखते हैं। हमने यहाँ पे शिव प्रसाद को गुड्स सोल्ड किया है। मैं इसी सेगमेंट को फिर से क्लीन कर देता हूँ। और हमने यहाँ पर शिव प्रसाद को गुड्स सोल्ड किया है, और वो गुड्स हमने सोल्ड किया है शिव प्रसाद को, और वो है हमारे पास में अप्रैल 16 को। तो अप्रैल 16 को हमने यहाँ पर शिव प्रसाद को गुड्स सोल्ड किया है, और शिव प्रसाद को हमने जो गुड सोल्ड किया वो हमारे पास में है 10,000 रुपीज़ का। हमने सोल्ड किया 10,000 रुपीज़ का, लिस्ट प्राइस है, आपको हमेशा ध्यान रखना है लिस्ट प्राइस का है, क्योंकि हम यहाँ पर उसे अलाउ कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो 15% है, और माइनस कर देंगे 15% का TD, और वो हो जाएगा 1500 रुपीज़, और हमारे पास आ जाएगा 8500। और इसे हम कहेंगे एक्चुअल सेल्स, ही आपको हमेशा याद रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे ही हम कहते हैं सेल्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री ना तो हम पास करते हैं ना, जिसने मुझे सेल्स किया है वो एंट्री पास करेगा, या मैंने जिसे सेल्स किया है। तो कोई भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि जो निगोशिएशन हुआ है मेरे और शिवप्रसाद के बीच में वो 8500 रुपीज़ का हुआ है। मैंने शिवप्रसाद को 8500 रुपीज़ का गुड्स बेचा है, और वो 10,000 का गुड्स था, 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसे सेल्स किया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है कि क्या इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये ट्रांजेक्शन कैश फॉर्म में है कि क्रेडिट फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे नहीं लिखा है कि ये ट्रांजेक्शन कैश फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर शिव प्रसाद का नाम दिया हुआ है। और मैंने आपको सेल्स परचेज सेपरेट वीडियो में बताया है कि किसी का नाम दिया और कैश ना लिखा हो तो ऐसे केस में उस ट्रांजेक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने गुड्स को उधार में सेल किया है, और जब मैं गुड्स को उधार में सेल करूँगा तो मुझे कैश नहीं मिलेगा, तो मुझे दूसरा अकाउंट ढूंढना पड़ेगा। और मैंने दूसरा अकाउंट ढूंढ लिया यहाँ पर शिव प्रसाद, जिसे मैंने गुड्स सेल किया, तो वो मेरे बिजनेस में गुड्स का रिसीवर हो गया, और रिसीवर को हम करते हैं डेबिट। तो मैं एंट्री पास करूँगा शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, और मेरे बिजनेस से गया है टू सेल्स, और टू सेल्स हो जाएगा। अब अल्टीमेटली आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर ली कि भाई हमने उसे सेल्स किया और उधार है, इसलिए यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट तो आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का जो सेल्स हुआ है वो उधार में हुआ है, और उधार में आप TD अलाउ कर सकते हैं, हमने देख लिया है। तो बहुत अच्छा ये एंट्री हमारे लिए समझने के लिए है कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट में है, और यहाँ पर आपने 8500 रुपीज़ का पेमेंट शिव प्रसाद से लेना बाकी है, क्योंकि आपने उसे गुड्स उधार में बेचा है। और ऐसे ही केस में शिव प्रसाद हमारा बन जाता है डेटर, और डेटर हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक वैसे जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर राम और श्याम से भी हमें 8,000 और 12,000 रुपीज़ लेना था, वैसे अब हमें शिव प्रसाद से लेना है 8,500 रुपीज़। तो शिव प्रसाद हमारा हो गया है डेटर। अब यहां पर एंट्री नंबर हो गई 16 की भी। अब देखते हैं हुआ क्या। अब 18 अप्रैल को हुआ ये है
कि अब शिव प्रसाद को इस गुड्स में से कुछ गुड्स पसंद नहीं आया और उसने हमें गुड्स वापस कर दिए हैं लिस्ट प्राइस 1000 का। शिव प्रसाद ने सेल्स रिटर्न कर दिया। शिव प्रसाद जिसे मैंने गुड्स का सेल्स किया था लिस्ट प्राइस पे और लिस्ट प्राइस में मैंने उसे डिस्काउंट दिया था, अब वही डिस्काउंट, क्योंकि हम रिकॉर्ड तो करते नहीं है तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था ट्रेड डिस्काउंट को, तो हमने एंट्री 8500 से पास की थी। अब शिव प्रसाद को गुड्स सेल कर दिए, उसे 1000 लिस्ट प्राइस, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि लिस्ट प्राइस का गुड्स उसे पसंद नहीं आया और गुड्स उसने हमें वापस कर दिया है। तो जो गुड्स उसने हमें वापस किया है वो गुड्स हमें उसने हमें वापस किया है 1000 रुपीस का, और जब 1000 रुपीस का गुड्स उसने हमें वापस किया है तो ये गुड्स उसने लिस्ट प्राइस का वापस किया। अब आपको एक सिंपल सा टर्म समझना है कि जब मैंने शिव प्रसाद को गुड्स बेचा था तो क्या मैंने उसे लिस्ट प्राइस में बेचा था? इसका आंसर है नहीं, मैंने लिस्ट प्राइस में उसे डिस्काउंट दिया था। और जब वो लिस्ट प्राइस का गुड्स वापस करेगा तो जो डिस्काउंट मैंने उसे दिया था उसे हमें वापस से डिडक्ट कर देना होगा, तो हम यहां फिर से माइनस कर देंगे 15% का TD, क्योंकि लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस पे तो नेगोशिएशन हुआ ही नहीं है। तो मैं वापस से गुड्स को लिस्ट प्राइस में क्यों लूंगा? तो मैंने उससे कहा कि भाई लिस्ट प्राइस में तो मैंने तुम्हें गुड्स बेचा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें गुड्स डिस्काउंट माइनस करके बेचा था, और हमें करना यह है कि हमें यहां से 1000 का ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस कर देना है, और माइनस करने के बाद 850 रुपीस का गुड्स हमें उससे ले लेना है वापस। इसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न है, मैंने शॉर्टकट में SR लिख दिया है, इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, इसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इनवर्ड का मतलब होता है कि गुड्स रिटर्न होके इन मतलब अंदर आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड भी हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न को। अब हुआ ये कि जब आपने गुड्स बेचा था शिव प्रसाद को और उधार में बेचा था, क्रेडिट में बेचा था, तो आपने एंट्री पास की थी शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब वो गुड्स वापस चला गया, सेल्स हो गया, और सेल्स होने के बाद वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट कम्स इन, तो आप बोलेंगे जो गुड्स मैंने सेल्स किया था वही रिटर्न आ रहा है, तो आप एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट कम्स इन तो गुड्स कम्स इन, और ये वो गुड्स है जो आपने शिव प्रसाद को बेचा था, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है? शिव प्रसाद हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो यहाँ पर हम टू शिव प्रसाद लिख देंगे और ये एंट्री आपकी बन जाएगी सेल्स रिटर्न की, और अमाउंट आपको भरना है 850 रुपीज़। आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया 850 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 850 आपको आफ्टर डिडक्टिंग TD है, क्योंकि लिस्ट प्राइस में आपने पहले शिव प्रसाद को 15% का TD अलाउ किया था, तो आप उससे वापस ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में कहानी जिसे हमने पास किया एंट्री नंबर 18 में। अभी हमारे पास में लिखा हुआ है 20th ऑफ अप्रैल को पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह ₹100। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि आपको बहादुर सिंह के नाम को यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहादुर सिंह हमारे बिजनेस का जो कोई एम्प्लॉई नहीं है, या हमारे बिजनेस में बहादुर सिंह से हमें मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि बहादुर सिंह को हमने अपने कुछ रिपेयर करवाया है और उस रिपेयर का पेमेंट किया है। अब रिपेयर करवाने का पेमेंट आपने जो किया है वो डेफिनेटली आपके बिजनेस के लिए एक नॉमिनल अकाउंट है। रिपेयर है मतलब एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और खर्चे को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ पर हमें बहादुर सिंह को पेमेंट किया है फर्नीचर रिपेयर का, आपको बहादुर सिंह के नाम से मतलब नहीं है, आपने रिपेयर सिंपल कराया है, तो आपको रिपेयर अकाउंट ही डेबिट करना है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट आप कर देंगे, और आपके बिजनेस से रिपेयर्स कराने के बाद आपने बहादुर सिंह को जो पेमेंट की है वो आपने पेमेंट कैश में की है, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, तो अल्टीमेटली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, एंड व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट, क्योंकि आपने पेमेंट कैश में की है, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, और ये कैश आपका जा रहा है अप्रैल 20 को, और अप्रैल 20 को आपने 100 रुपीज़ का कैश पेमेंट किया है बहादुर सिंह को, और आपकी एंट्री बहुत जल्दी आपने पास कर ली है। नेक्स्ट लिखा है रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% CD। अब आपने जो वहाँ पर शिव प्रसाद की एंट्री मैंने यहाँ पर क्लीन कर दी है, मैं रिकॉल कर लेता हूँ जल्दी से, आपको भी समझने में आसान होगा कि मैंने शिव प्रसाद को 10,000 रुपीज़ का गुड्स जब सेल किया था तो उसमें मैंने उसे 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, मतलब मुझे उससे 8500 चाहिए था। अभी आप रिवाइंड करके भी देखेंगे तो आपको ये अमाउंट दिख जाएगा, ये तो मैंने उसे सेल्स किया था, लेकिन सेल्स करने के बाद मैं शिव प्रसाद ने लिस्ट प्राइस का गुड्स मुझे वापस किया था 1000 का, जिसमें से मैंने उसमें वापस से 150 माइनस कर दिया था, और मैंने उससे 850 का गुड्स वापस ले लिया था। अब हुआ क्या, समझिए, बहुत टेक्निकल टर्म है, मैं फिर से इस पॉइंट को पढ़ देता हूँ कि हमारे पास में लिखा हुआ है कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट एंड चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक, और हमने उसी चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। पहले तो ये कि शिव प्रसाद से चेक कितने का मिला, क्योंकि इस पॉइंट में हमारे पास ये लिखा नहीं है कि चेक कितने का मिला, और ये हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने शिव प्रसाद को गुड्स बेचा था 8500 रुपीज़ का, शिव प्रसाद ने उसमें से हमें गुड्स वापस कर दिया था 1000 रुपीज़ का,
तो 1000 लिस्ट प्राइस का था, मतलब उसने हमें वापस कर दिया था 8500 का। तो अगर हम 8500 रुपीज़ में से 850 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो शिवप्रसाद से पैसा लेना है वो हमें लेना है 7650। इस पॉइंट को टेक्निकली समझिए कि शिवप्रसाद ने गुड्स हमसे हमने उसे सेल्स किया था 8500 का, उसने से उसमें 850 रुपये गुड्स वापस कर दिया था, तो कितना पेमेंट अभी शिवप्रसाद हमें करेगा? तो वो पेमेंट करेगा इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करके 7650 का। ये तो अमाउंट हो गया। अब शिवप्रसाद ने मुझे चेक दिया है, और जब उसने मुझे चेक दिया है तो उसने यहाँ से माइनस कर दिया है सीडी, और सीडी का जो अमाउंट है उसने माइनस कर दिया, और यहाँ पर वो सीडी की डिमांड कर रहा है मुझसे टोटल 4% की। तो 4% सीडी अभी यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, तो 4% जो होता है वो होता है 306 रुपीज़। और ये 4% क्यों? क्योंकि वो मुझे कैश या चेक दे रहा है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पास में 7344 रुपीज़ का मुझे चेक मिल जाता है। ये मुझे चेक रिसीव्ड हो गया है, और चेक रिसीव्ड है, और मैंने कहा है, मैंने नहीं कहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि चेक हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। अब मैं आपको कंपाउंड एंट्री जो मैंने आपको पहले बनवाई थी वो बिना बनाए आपको डायरेक्ट एंट्री, मतलब अलग अलग एंट्री ना बना के डायरेक्ट कंपाउंड एंट्री बना के दिखाता हूँ कि मैंने आपसे कहा कि जब चेक मिले और आप उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट कर दें, तो इंस्टेड ऑफ चेक वी शुड यूज़ द वर्ड बैंक। और अल्टीमेटली मुझे चेक मिला था, मैंने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। मैं एंट्री पास करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट 7344, अल्टीमेटली मुझे मिलना था 7650, मुझे मिला है 7344, मतलब मैंने 306 रुपये का मुझे नुकसान हो गया है। मैंने डिस्काउंट अलाउड किया है, और मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट करेंगे, और वो है 306। और अल्टीमेटली मुझे ये पैसा मिला है शिव प्रसाद से, जो कि मेरा गिवर है, और गिवर को हम करते हैं क्रेडिट, और उसे हम क्रेडिट करेंगे 7650 से। और ये एंट्री आपने पास करनी है 25th of April को। तो अप्रैल 25th की एंट्री है, आपने पास कर दी, आपसे एंट्री बन गई। मैंने आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन दिखा दिया है। ये दो एंट्री जो ऊपर मैंने बनाई थी उसे क्लीन कर दिया था, इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन करना पड़ा। 8500 रुपीज़ का मैंने उसे गुड्स बेचा था, उसने मुझे 850 का गुड्स वापस कर दिया था, तो मुझे उसे 7650 लेना था। उसको मैंने उसे 4% का सीडी अलाउ कर दिया है, तो मुझे मिलेगा 7344। जहाँ पे मुझे मिलता 7650 वहाँ पे मुझे 7344 मिलेगा, मतलब 306 रुपये कम मिलेंगे, जो कि मेरे लिए लॉस है। मैंने उसे डेबिट कर दिया। ये एंट्री हो गई। अब हमारे पास में लिखा हुआ है, बस कुछ एंट्री बची हैं, 28 नंबर की एंट्री बची है। मैं इसे वापस से क्लीन कर देता हूँ, और हम दो बची हुई एंट्री हैं पूरा करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा आपको पूरा समझ में आ गया, और को अब ये क्वेश्चन बनने लगेगा। ये क्वेश्चन तो बनेगा ही, साथ में मैंने आपसे कहा कि आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। और लास्ट टू एंट्रीज में हमारे पास लिखा है कि बैंक चार्ज ₹50 एज बैंक चार्जेस। बैंक में हम जो चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, या बैंक हमारे बिहाफ में बहुत सारे काम कर रहा है, हम बैंक में ATM यूज़ करते हैं, बैंक से पासबुक चेकबुक लेते हैं, बैंक हमारे बहुत सारे काम करते हैं, और बैंक ये सारे काम करने के लिए बैंक हमसे चार्जेस लेता है। भाई बैंक का भी तो चलाना है, बैंक तो बैंक हमसे चार्जेस लेगा तब तो बैंक का कारोबार चलेगा। ऐसे में बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस दिए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट है आपको समझना है कि बैंक चार्जेस का पेमेंट मैंने बैंक को कैश में नहीं किया कि मैं कैश लेके गया और बैंक से। होता ये है कि बैंक चार्जेस बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है, और जब बैंक अकाउंट हमारे खाते से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेता है हमारे अकाउंट से, तो हमारी जो बैंक बैलेंस है, जो कि हमारी एसेट्स है, वो हो जाती है कम। क्योंकि बैंक जब हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करेगा तो हमारी एसेट्स थोड़ा कम हो जाएगी। और मॉडर्न अप्रोच है कि अगर एसेट्स कम हो रही है तो उसे आपको करना है क्रेडिट। तो एक बात तो पक्की है कि मैं यहाँ पर टू बैंक लिखूंगा, क्योंकि मेरी जो बैंक बैलेंस है, जो मतलब मेरी एसेट्स है, वो कम हो रही है। और कम क्यों हो रही है? क्योंकि बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, और बैंक चार्जेस अपने आप में हमारे लिए एक्सपेंसेस है जिसे हम नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये लीजिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आपकी एसेट्स बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा 40 रुपए से, क्योंकि बैंक ने 50 रुपीज का बैंक बैलेंस आपने यहां पर माइनस कर दिया है। और ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है ये अप्रैल 28 की है, और ये भी आपने पास कर ली है। तो 28th of April की ट्रांजेक्शन है, बैंक चार्जेस आपको एंट्री बननी चाहिए। बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट है, और बैंक से हमने पैसा डिडक्ट किया, तो हमने बैंक को कम किया है। और लास्ट है हमारे पास में 30th April की, कमीशन हमने रिसीव किया है अप्रैल 30 को, और अप्रैल 30 को हमने जो कमीशन रिसीव किया है वो हमने रिसीव किया है 200 रुपीज़ का। कुछ नहीं लिखा, मतलब कैश में रिसीव किया है। कमीशन रिसीव हुआ तो आपको क्या रिसीव हुआ? तो आपको बिजनेस में कैश आ रही है, और मैंने आपको बताया है कैश आएगा, और कमीशन जो है आपको मिला है, कमीशन आपके लिए है आपकी इनकम। इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है, तो आपके पास एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और ये एंट्री बन गई बहुत मज़े से, और अमाउंट है 200 रुपीज़ का।
और ये 200 रुपीज से आप इसका नरेशन ले सकते हैं कि कमीशन रिसीव्ड है और वो कमीशन कैश में मिला है, बिजनेस में कैश आई है, व्हाट कम्स इन कैश कम्स इन, और कमीशन हमारे लिए है नॉमिनल अकाउंट, मुझे हुआ है इनकम और इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, और एंट्री आपने पास कर ली है, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई सारी चीज़ें इसमें हमने देखी, ओपनिंग एंट्री देखी, कैसे हम डेटर्स का पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं, हम फर्नीचर को सोल्ड करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, बैंक चार्जेस होते हैं, क्या होता है, सब कुछ देख लिया, इसीलिए मैंने शायद इस क्वेश्चन को लिया था। इस क्वेश्चन के बाद आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। मैं आपको इसी वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं कि मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं उसमें मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 17, अगर आपके पास में DQL की ओल्ड बुक होगी या नई बुक है, दोनों में क्वेश्चन का सीक्वेंस सेम है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 भी आपके लिए करवाऊंगा, ओल्ड और न्यू बुक दोनों में सेम सीक्वेंस है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा वेट करिए, फिर से मिलते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए, डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में लिखना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही करना है आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।